फ्लडिंग। फ्लडिंग मम्मी, लेकिन वो ओशियंस में क्यों नहीं होती है? ओशियंस में तो हमेशा रिवर का पानी जाते ही जाता है, जाते ही जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो मालूम करते हैं इसका जवाब। और तुम्हें पता है पुर्णायु, यही क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर ने भी पूछा है, तो मालूम करें इसका जवाब। हाँ। लेकिन ऐसे ही सूखे सूखे, आपको क्या लगता है कि अड्डे वालों के पास इस बात के लिए भी कोई इंटरेस्टिंग जवाब होगा? ऐसे कैसे हो सकता है कोई जाने ना, हम जानते हैं। व्यूअर ने सवाल भेजा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, और कोई सूखा सूखा नहीं, हमारे अड्डे पे तो गीला गीला जवाब मिलता है। हमारी पृथ्वी का 75% हिस्सा ढका है पानी से, हमारे समुद्रों से, इसीलिए तो उसके बारे में तो बहुत से सवाल आते हैं हमारे पास। हमारी पृथ्वी के 5 महासागर, ये 5ों एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे में बहते हैं। हमारा ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पृथ्वी पर एक ही विशाल महासागर है। ये समुंदर छलकते नहीं, जबकि नदियां उनमें बहती जाती हैं, निरंतर बहती जाती हैं। कारण है हमारी पृथ्वी का जल चक्र, वाटर साइकिल। असल में हमारी पृथ्वी पर आज भी उतना ही पानी है जितना आज से 4.6 बिलियन साल पहले था। मतलब पृथ्वी पर पानी उसके जन्म से लेकर अब तक उतना का उतना ही है। ना तो कहीं से नया पानी बनता है, ना ही पानी कम होता है। सूरज की गर्मी से पानी इवेपोरेट होता है, भाप बनके बादल बनता है, फिर बारिश बनकर बरसता है। कुछ जमीन के अंदर चला जाता है, कुछ तालाबों में, कुछ नदियों में और कुछ सागर में। उधर सागर भी तो एक दूसरे से जुड़े हैं, निरंतर एक दूसरे में बहते जाते हैं और बनाते हैं हमारा हाइड्रोस्फीयर। कुछ बातें समझना जरूरी। पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97% खारे समुद्रों में है, 2% बर्फ बन के हिमखंडों में जमा है। सिर्फ 1% पानी ही है जो हम सभी प्राणियों का जीवन चलाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम पानी की एक एक बूंद को बचाएं। पानी जब बारिश के रूप में पृथ्वी पर आता है तो जरूरी है कि हम उसे ठीक तरह से रोक पाएं। रोक पाना मतलब जरूरी है कि वो जमीन के नीचे वाटर टेबल का हिस्सा बन जाए, ना कि ऊपर की मिट्टी को बहाता हुआ तेजी से नदियों और समुद्र में मिल जाए। और इसीलिए जरूरी है हरियाली और जंगल, नाले जो साफ हों, ना कि कूड़े कबाड़े और प्लास्टिक से भरे।